जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम वेब ऐप पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीपीएससी आरओ एआरओ की वैकेंसी आ चुकी है और इसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी जारी हो जाएगा। इसका एक नॉर्मल नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है, शक्ति बैच, जो कि यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए स्पेशल बैच रहने वाला है। यह 199 रुपये का है। अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया है, इसको जल्दी से जल्दी परचेज करिए। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, वो यूपी जीके की क्लास रहने वाली है। ये हमारी डेमो क्लास रहेगी। इसमें हम यूपी जीके के बारे में, परिचय के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा प्री कम मेंस बैच रहेगा। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों की सुविधा उपलब्ध है इसमें। 300 घंटे से ज़्यादा की क्लासेस भी आपको दी जाएंगी। डाउट सेशन भी लगाए जाएंगे। यदि आपके कोई डाउट है तो आपको डाउट सेशन में क्लियर कराए जाएंगे। और इसके बाद में डाउट ग्रुप भी बनाए जाएंगे, जहाँ पर आप अपने कभी भी किसी भी वक्त डाउट पूछ सकेंगे। हमने वीक में जो भी तैयारी की है, हमने जो भी पढ़ा है, उसके लिए हम 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट रखेंगे, जिससे आपकी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए बहुत ही आसानी होगी। और हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। जैसा कि आपको सभी को पता है कि देखिए, हिस्ट्री के नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं, जिसमें हिस्ट्री कम्प्लीट प्रोवाइड करा दी गई है हैंड रिटन नोट्स में। इनका आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और यहाँ से आप अपनी तैयारी भी करते रहिए और धीरे धीरे पढ़ते भी रहिए, जिससे आपको आसानी रहे आगे क्लास में समझने की। क्लास नोट्स जो भी होंगे, हमारे क्लास नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे और 1-to-1 मेंटरशिप भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे आपकी तैयारी को और भी बेहतर कर सकें। हम कोशिश करेंगे आपको जल्दी से जल्दी ये कोर्स पूरा करा दें और साथ ही साथ में आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए इसमें 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी कराएंगे। 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट कराएंगे, जिससे क्या होगा, आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। इसमें हमारे जो 5 में से 3 टेस्ट रहेंगे वो जीएस के रहने वाले हैं और 2 टेस्ट हिंदी के रहने वाले हैं। यहाँ पर हिंदी भी पूरा कराया जाएगा। कंप्लीट सिलेबस आपको मात्र और मात्र 199 रुपये में प्रोवाइड कराया जाएगा। और अभी इसको परचेज करने पर यह कोर्स आपको सिर्फ मिलेगा 149 में। तो देर किस बात की, अभी जाइए एग्जाम वेब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अभी परचेज करिए एग्जाम वेब एप्लीकेशन का शक्ति बैच। और यह बैच यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए स्पेशल बैच रहने वाला है। इसमें आपकी बेहतर तैयारी के लिए हम आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों प्रकार की क्लासेस देंगे और साथ ही साथ में हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स भी देंगे। आज को जो हमारा सेशन रहने वाला है, उत्तर प्रदेश जीके के बारे में रहने वाला है। आज हम उत्तर प्रदेश जीके के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें आप 2 पॉइंट नोट करिए। उत्तर प्रदेश के परिचय में हमें पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे पहले हम एक हेडिंग डालेंगे, उत्तर प्रदेश का परिचय। क्या डालना है, उत्तर प्रदेश का परिचय। अब इस परिचय में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के परिचय में हम 2 क्षेत्रों में इसको पढ़ेंगे, 2 क्षेत्रों में विभाजित करके इसको पढ़ेंगे। एक पहला क्षेत्र कौन सा होगा, एक पहला क्षेत्र होगा हमारा भौगोलिक क्षेत्र। पहला होगा भौगोलिक क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र कौन सा होगा, दूसरा क्षेत्र हो जाएगा हमारा प्रशासनिक क्षेत्र। प्रशासनिक क्षेत्र, देखिए हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे कि अगर हम यूपी जीके की बात करें तो यूपी जीके पढ़ रहे हैं, तो यूपी जीके को क्या करना है, आपको अच्छे से बेहतर तैयार करने के लिए यहाँ पर आपको डाटा ज़्यादा याद करना पड़ेगा, डाटा थोड़ा सा ज़्यादा याद करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन भी बिल्कुल सही सही आप कर सकेंगे, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा बेटर हो सके। तो सबसे पहले चलिए हम थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं, इसके नामकरण की ओर देखते हैं कि इसका नामकरण कैसे क्या हुआ था। तो सबसे पहले एक डेट याद रखनी है आपको, जून 1836। हेडिंग आप डालिएगा नामकरण, नामकरण हेडिंग डालिएगा। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एक तरीके से जैसे हम पॉलिटी में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ते हैं, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जब इसके नामकरण के बारे में पढ़ेंगे तो जून 1836 में पहली ये डेट याद रखिएगा। इसमें इसका नाम रखा गया था उत्तर पश्चिमी प्रांत। क्या नाम रखा गया था, उत्तर पश्चिम प्रांत इसका नाम रखा गया था। इसके बाद में एक डेट और याद करनी है, फरवरी 1870। फरवरी 1870 में इसका नाम क्या रखा गया था, उत्तर पश्चिमी प्रांत अवध व आगरा। उत्तर पश्चिमी प्रांत अवध व आगरा इसका नाम रखा गया था। इसके बाद में एक डेट आपको कौन सी याद रखनी है, 1902 में इसका नाम क्या रखा गया था, इसका नाम रखा गया था संयुक्त प्रांत अवध व आगरा। देखिए 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत हुआ, 1870 में उत्तर पश्चिमी प्रांत अवध व आगरा हुआ और 1902 में क्या हुआ, संयुक्त प्रांत अवध व आगरा, ये 1902 में हो गया था।
इसके बाद में 1937 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, 1937 में इसका नाम बदल कर रख दिया गया संयुक्त प्रांत। केवल संयुक्त प्रांत इसका नाम रखा गया था कब, 1937 में। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिमी प्रांत कब पड़ा, 1836 में, जून 1836 में। उत्तर पश्चिमी प्रांत अवध व आगरा कब पड़ा, 1870 में। संयुक्त प्रांत अवध व आगरा कब पड़ा, 1902 में। इसके बाद में संयुक्त प्रांत इसका नाम कब पड़ा, 1937 में। ये आपका इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा, ज़रूर इसको नोट करिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में अब आप सोच रहे होंगे कि फिर उत्तर प्रदेश इसका नाम कब पड़ा, तो एक डेट याद रखिए, 24 जनवरी 1950 को इसका नाम क्या पड़ा था, इसका नाम पड़ा था उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश इसका नाम पड़ा। और इसी के दिन इसकी स्थापना मानी जाती है, इसी दिन इसकी स्थापना मानी जाती है, और 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को, ये भी याद रखिएगा आप, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगर इसके पुनर्गठन की बात करें तो इसका पुनर्गठन कब हुआ था, तो पुनर्गठन हुआ था इसका, पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। अब यहां पर अगर हम बात करें राजधानी की, राजधानी इसकी क्या क्या रही है, तो अभी करेंट टाइम में राजधानी क्या है, करेंट टाइम में राजधानी है लखनऊ। ये आपको पता होगा कि करेंट टाइम में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। लेकिन लखनऊ पड़ी कब, तो लखनऊ पड़ी थी 1935 में, 1935 में लखनऊ राजधानी बनाई गई थी। तो 1935 से पहले क्या था, तो 1935 से पहले 1921 से 1935 तक भी लखनऊ राजधानी थी, लेकिन कैसे थी, आंशिक रूप से थी, ये राजधानी लखनऊ ही थी, लेकिन किस रूप से थी, आंशिक रूप से थी, आंशिक रूप से राजधानी, आंशिक रूप से थी लखनऊ, आंशिक रूप से। इससे पहले क्या राजधानी थी, तो 1858 से 1921 तक, 1858 से 1921 तक राजधानी क्या थी, प्रयागराज इसकी राजधानी थी, प्रयागराज। इसके बाद में 1836 से, एक डेट ये भी याद रखिए, 1836 से 1858 तक इसकी राजधानी क्या थी, आगरा इसकी राजधानी थी, आगरा इसकी राजधानी थी। तो ये राजधानी के ऊपर है। अब हम जरा बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की सीमाओं के बारे में, तो उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा बनाता है, अगर राज्य पूछा जाए केवल, तो कितने राज्यों से सीमा बनाता है, 8 राज्यों से सीमा बनाता है। और कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है, तो 9 हो जाएंगे, क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी सीमा बनाता है। और कितने देश से सीमा बनाता है, कंट्री अगर पूछी जाए, तो एक कंट्री से सीमा बनाता है, कौन सी कंट्री है, नेपाल। चलिए देखते हैं, तो एक तो ये होगी कंट्री, यानी देश से सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश एक देश के साथ सीमा साझा करता है, वो कौन सी है, नेपाल है। इसके बाद में राज्य कितने हैं, देखिए उत्तराखंड 1 नंबर, यहाँ पर 1 नंबर। इसके बाद में हिमाचल प्रदेश 2 नंबर। इसके बाद में हरियाणा 3, याद कर लीजिएगा एक बार, राजस्थान 4, और मध्य प्रदेश 5, और इसके बाद में छत्तीसगढ़ 6, और झारखंड 7, बिहार 8। ये 8 राज्यों से सीमा बनाता है। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली, ये केंद्र शासित प्रदेश है, एक यूटी है, ये एक यूटी है, बाकी ये कौन है, ये स्टेट है, ये स्टेट हैं। तो एक कितने हो गए, 8 तो स्टेट हो गए, 8 राज्य हो गए, एक यूनियन टेरिटरी, राज्य और यूनियन टेरिटरी मिलके कितने हो गए, 9 हो गए, और एक देश हो गया, कौन सा देश है, नेपाल, नेपाल देश के साथ सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। तो आपको ये सारे राज्य याद हो गए होंगे कि कौन से राज्य के साथ उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। एक बार हम वापस से रिवीजन कर लेते हैं, तो रिवीजन के तौर पे आपको क्या याद रखना है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो अगर सीमाओं की बात करें, उत्तर प्रदेश की सीमाओं की बात करें, तो कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, राज्यों के साथ सीमा बनाता है, कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, 8 राज्यों के साथ। कितनी यूटी के साथ सीमा बनाता है, एक यूटी दिल्ली के साथ सीमा बनाता है। कितनी कंट्री के साथ सीमा बनाता है, तो कितने देश के साथ सीमा बनाता है, एक देश के साथ सीमा बनाता है। एक बार नोट कर लेते हैं इनको, जिससे अच्छे से याद हो जाए। तो सबसे पहले हम यूटी देखेंगे, यूटी कौन सी है, दिल्ली। देश कौन सा है, नेपाल।
देश कौन सा है? नेपाल। अब इसके बाद में अगर राज्य की बात की जाए तो राज्य कितने होंगे? राज्य 8 हैं। सबसे पहले कौन सा आएगा? हिमाचल प्रदेश को आप याद कीजिए। हिमाचल प्रदेश को क्यों याद कराया जा रहा है इसके बारे में भी बता रहे हैं, एक मिनट रुकिएगा जरा। तो हिमाचल प्रदेश सबसे कम सीमा साझा करता है। सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। फिर सर सबसे अधिक सीमा किसके साथ बनाता है? तो सबसे अधिक सीमा बनाता है मध्य प्रदेश के साथ सबसे अधिक सीमा बनाता है। सबसे अधिक सर दो तो राज्य याद हो गए, फिर तीसरा राज्य कौन सा है? तीसरा राज्य देखिए कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। इसके बाद में कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद कौन सा हो जाएगा? हरियाणा। हरियाणा याद कर लीजिए, हरियाणा यहां पर पड़ता है इस जगह पर, तो हरियाणा। इसके बाद में चौथा कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़ याद कर लीजिए, छत्तीसगढ़। फिर पांचवा कौन सा याद कर लीजिए? झारखंड याद कर लीजिए। छठा कौन सा याद कर लीजिए? बिहार याद कर लीजिए। सातवां कौन सा याद कर लीजिए? उत्तराखंड याद कर लीजिए। और आठवां कौन सा याद कर लीजिए? आठवां याद कर लीजिए राजस्थान। तो कितने राज्य हो गए? आठ राज्य, एक यूनियन टेरिटरी और एक देश के साथ सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। ये आपको याद हो गया होगा। अब हम उत्तर प्रदेश के परिचय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगा, ब्रीफ बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें होंगी, इनके बारे में जानते हैं। तो राजकीय वृक्ष कौन सा है? कमेंट बताइएगा एक बार। राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक या सीता अशोक ये राजकीय वृक्ष है उत्तर प्रदेश का। ये उत्तर प्रदेश के बारे में ही सब कुछ चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष हो गया अशोक या सीता अशोक। इसके बाद में अगर पशु की बात की जाए तो पशु कौन सा आता है? तो पशु आता है बारहसिंगा। पशु कौन सा है? बारहसिंगा। इसके बाद में पुष्प की बात की जाए तो पुष्प कौन सा है? पुष्प होता है पलास। पलास कभी कभी ऑप्शन में नहीं आता है तो इसका वैज्ञानिक नाम आता है, तो पलास का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ब्यूटी मोनोस्पर्मा। ये पलास का वैज्ञानिक नाम होता है, स्पेलिंग एक बार देख लीजिएगा, ब्यूटी मोनोस्पर्मा। साथ साथ में रहेगा ब्यूटी मोनोस्पर्मा, ये पलास का वैज्ञानिक नाम आ जाता है। अब पुष्प हो गया, इसके बाद में पक्षी कौन सा है? तो सारस कह लीजिए, या फिर कहीं कहीं पे जब ऑप्शन में नहीं आता तो क्रॉन्च ऑप्शन में आता है, सारस या क्रॉन्च। इसके बाद में चिन्ह कौन सा है? चिन्ह, तो चिन्ह आपने याद ध्यान दिया होगा, मछलियाँ हैं। और मछलियाँ कैसी हैं? जुड़वा मछलियाँ हैं। और तीर धनुष भी है, एवं तीर धनुष। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का चिन्ह कौन सा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कौन सा है। एक बार उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह देखिए, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह ये आपको दिख रहा होगा, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कौन सा है ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा है, जुड़वा मछलियाँ हैं और तीर धनुष है, तो ये नहीं पूछा जाएगा। बल्कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है इसमें जो जुड़वा मछली हैं ये कहाँ से ली गई हैं, कहाँ से अंगीकार की गई हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक रूमी दरवाजा नामक स्थल है, रूमी दरवाजा है, वहाँ से यह दोनों मछलियाँ, जुड़वा मछलियाँ ली गई हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का अगर राजकीय चिन्ह की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह की बात की जाए, यहाँ पर इसकी बात की जाए, तो ये जो मछलियाँ हैं, ये मछलियाँ हैं, ये कहाँ से ली गई हैं? ये ली गई हैं रूमी दरवाजा से। कहाँ पर स्थित है रूमी दरवाजा? रूमी दरवाजा स्थित है लखनऊ में रूमी दरवाजा स्थित है, तो रूमी दरवाजा से ये राजकीय चिन्ह लिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें
कि राजकीय भाषा कौन सी है, अगर पूछा जाए क्वेश्चन की उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है, तो राजकीय भाषा कौन सी है, राजकीय भाषा ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी है। एक तो है हिंदी, दूसरी कौन सी है, एक है उर्दू, दूसरी कौन सी है उर्दू, हिंदी और उर्दू ये राजकीय भाषा है। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथम मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, फर्स्ट मुख्यमंत्री, फर्स्ट सीएम ये कौन थे, तो ये कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत, कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत, ये उत्तर प्रदेश के फर्स्ट सीएम, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे गोविंद बल्लभ पंत। अब यहाँ पर एक बहुत ही कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, तो आपने हमने पढ़ा था कि संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत के बारे में पढ़ा था, तो संयुक्त प्रांत कब से कब तक इसका नाम रहा था, 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था। जब 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था तब इसके उन्नीस सौ पैंतीस में जब इसका नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था तब इसके राज्यपाल कौन थे, इससे पहले क्या नाम रखा गया था, 1902 में रखा गया था संयुक्त प्रांत अवध व आगरा, तो इस समय ये नाम रखे गए थे, तब इसके राज्यपाल कौन थे। और 1921 में जब सबसे पहली बार राजधानी लखनऊ बनाई गई थी आंशिक रूप से, तब से इसमें राज्यपाल बनना स्टार्ट हो गए थे। तो 1921 की बात की जाए तो सर हरकोर्ट बटलर, कौन है, सर हरकोर्ट बटलर ये पहले राज्यपाल थे, 1921 में बने थे और ये 1921 से 1922 तक उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत के राज्यपाल रहे थे। और संयुक्त प्रांत के आखिरी राज्यपाल कौन थे, तो सर फ्रांसिस बार्नर वाइली, ये 1945 से 1947 तक, 14 अगस्त 1947 तक, 7 दिसंबर 1945 से 14 अगस्त 1947 तक सर फ्रांसिस बार्नर वाइली ये राज्यपाल बने थे। चिंता मत करिए, आपको हैंड रिटन नोट्स में सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी, बस ये क्लास है, इसको क्लास के तौर पर देखिए और पढ़िए। इसके बाद में आज़ादी के बाद में 14 अगस्त तक तो कौन थे, सर फ्रांसिस बार्नर वाइली थे, 14 अगस्त तक जो 14 अगस्त 1947 तक राज्यपाल थे, गवर्नर थे, वो कौन थे, गवर्नर थे सर फ्रांसिस वार्नर और बाइली, ये गवर्नर थे 14 अगस्त 1947 तक। इसके बाद 15 अगस्त को देश आज़ाद हो गया, 15 अगस्त के बाद आज़ादी के बाद पहले राज्यपाल कौन बने, तो पहले राज्यपाल बनी थी सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू पहली राज्यपाल बनी थी जो कि देश की और राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल भी मानी जाती हैं। ये कब से कब तक रही थी, तो ये रही थी 15 अगस्त 1947 से, इसको नोट करिएगा ये इम्पोर्टेंट है, 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक ये राज्यपाल रही थी, 2 मार्च 1949 तक ये राज्यपाल रही थी। इसके बाद में अगर आज़ादी के बाद की बात की जाए तो आखिरी राज्यपाल कौन थे, श्री एच पी मोदी। इसके बाद में उत्तर प्रदेश का जब गठन हुआ 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना मानी जाती है, तो 24 जनवरी 1950 के बाद में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन बने थे सबसे पहले, तो सबसे पहले राज्यपाल बने थे एच पी मोदी, एच पी मोदी सबसे पहले राज्यपाल बने थे, कौन बने थे, एच पी मोदी, 26 जनवरी 1950 से 1 जून 1952 तक। तो कहीं कहीं ये भी ऑप्शन आ जाता है उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, एच पी मोदी, और आज़ादी के बाद भी प्रथम लास्ट अंतिम राज्यपाल कौन थे, एच पी मोदी, जो 1949 से 1950 तक बने थे। इसके बाद में हम उत्तर प्रदेश के कुछ और भौगोलिक परिचय के बारे में देख लेते हैं, भौगोलिक परिचय इसका कैसा है, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश का मैप आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश का ये मैप स्क्रीन पर आपको दिख रहा है सभी को, इसका जो भौगोलिक परिचय है इसके बारे में एक बार देखते हैं। तो भौगोलिक परिचय में सबसे पहले हम डायरेक्शन देख लेते हैं, दिशाएं देख लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश का जो ये जिला है, ये जिला कौन सा पड़ रहा है, सहारनपुर, आपको पढ़ने में आ रहा होगा ये कौन सा जिला पड़ रहा है, ये पड़ रहा है सहारनपुर, एक बार सभी को इरेज कर लेते हैं, तो ये जिला है, ये कौन सा पड़ रहा है, ये पड़ रहा है आपका सहारनपुर।
तो ये सहारनपुर जो जिला है आपका वो कैसा है? ये सबसे उत्तरी जिला माना जाता है। कैसा माना जाता है? सबसे उत्तरी जिला यानी नॉर्थ उत्तरी जिला माना जाता है सहारनपुर। इसके बाद में अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो पश्चिमी जिला कौन सा, ये शामली है ना, ये पश्चिमी जिला माना जाता है। ये कैसा माना जाता है? ये पश्चिमी जिला माना जाता है शामली। पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। इसके बाद में अगर क्वेश्चन पूछा जाए उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला कौन सा है, दक्षिणी जिला कौन सा, ये दक्षिणी जिला है। ये जिला कौन सा? रॉबर्ट्सगंज या फिर कह लीजिए सोनभद्र। सोनभद्र भी कहीं कहीं ऑप्शन में होगा और रॉबर्ट्सगंज भी कहीं कहीं ऑप्शन में होगा। तो सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला माना जाता है। ये माना जाता है दक्षिणी साउथ का। ये कैसा माना जाता है? दक्षिणी माना जाता है, साउथ का जिला माना जाता है दक्षिणी जिला। इसके बाद में सबसे पूर्वी जिला कौन सा माना जाता है? पूर्वी जिला माना जाता है बलिया। ये कौन सा है? बलिया जिला है। यह कैसा है? यह सबसे पूर्वी जिला माना जाता है, ईस्ट का जिला माना जाता है। एक बार हम दोबारा से देखते हैं, डायरेक्शन बना लेते हैं। ये कौन सा है? नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अगर आपको याद करना है तो कैसे याद करेंगे? ये कौन सा है, यहां पर कौन सा पड़ेगा? उत्तरी कौन सा है? सहारनपुर। उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। इसके बाद में पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। इसके बाद में दक्षिणी जिला कौन सा है? दक्षिणी जिला सोनभद्र है। इसके बाद में पश्चिमी जिला कौन सा है? पश्चिमी जिला शामली है। तो ये आपको याद करना होगा। SBSS ऐसे याद कर लीजिए, और किस तरीके से याद करना है ये आप एक बार देख लीजिए, या फिर आप कर लीजिए SSSSB या SQB ऐसे याद कर लीजिए। कैसे भी आपको आसानी रहे एक बार डायरेक्शन जरूर याद कर लीजिए। उत्तरी जिला कौन सा है, पूर्वी जिला कौन सा है, दक्षिणी जिला कौन सा है और पश्चिमी जिला कौन सा है। SQB याद कर लीजिए या SBSS याद कर लीजिए। जैसे आपको आसानी लगे वैसे याद कर लीजिए एक बार, और डायरेक्शन आप अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा। अगर SBSS याद कर रहे हैं तो ऐसी डायरेक्शन चलेगी, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ऐसे याद कर लीजिए। चलिए एक बार कुछ कमेंट में पूछते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको सबसे पहले बताना होगा, दूसरा मैप ओपन करते हैं। चलिए यहीं पर बताइए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ जो जिला पड़ेगा वह कौन सा जिला पड़ेगा? जल्दी बताइए कमेंट में। तो कौन सा जिला पड़ेगा? सहारनपुर पड़ेगा। इसके बाद में ईस्ट जिला कौन सा पड़ेगा? बलिया पड़ेगा। इसके बाद में साउथ जिला कौन सा पड़ेगा? ये पड़ेगा सोनभद्र पड़ेगा। और यहाँ पर कौन सा पड़ेगा? ये वाला जिला पड़ेगा शामली। कौन सा जिला है? शामली जिला। तो ये आपको चारों जिले, चारों डायरेक्शन के जिले याद हो गए होंगे उत्तर प्रदेश की, ये भौगोलिक स्थिति भी इसे कह सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, भौगोलिक स्थिति में ही अभी हम रहेंगे और भौगोलिक स्थिति को ही पढ़ेंगे। तो भौगोलिक स्थिति में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत का क्षेत्रफल कितना होता है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? अगर इंडिया के क्षेत्रफल, भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए, एरिया की बात की जाए, तो इंडिया का एरिया कितना है? तो ये है 32,87,263, ये इंडिया का क्षेत्रफल है। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है। अगर यहीं पर बात की जाए तो यूपी का क्षेत्रफल कितना है, यूपी का एरिया कितना पड़ता है, ये आपको बताना है। तो यूपी का एरिया जो है वो है 240,928, 240,928 किलोमीटर स्क्वायर, यह उत्तर प्रदेश का एरिया है। अगर पुनर्गठन से पहले की बात की जाए, अगर जब पुनर्गठन से पहले की बात की जाए, तो पुनर्गठन से पहले उत्तर प्रदेश का एरिया कितना था? तो 294,411 किलोमीटर स्क्वायर, ये पुनर्गठन से पहले एरिया था। ये है प्रेजेंट टाइम का, प्रेजेंट टाइम का, वर्तमान समय का, वर्तमान का, और ये है पुनर्गठन से पहले का, पुनर्गठन से पहले का, ये पुनर्गठन से पहले का है 294,411 किलोमीटर स्क्वायर। अब यहां पर भारत का क्षेत्रफल है कितना, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 240,900
240,928 किलोमीटर स्क्वायर। अब हम बात करें कि उत्तर प्रदेश भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो उत्तर प्रदेश भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। आप ये लोग नोट भी करते रहिए, या फिर हैंड रिटन नोट्स जब दिए जाएंगे तो इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, या फिर अपने सुविधा अनुसार जैसे भी चाहें वैसे पढ़कर काम चलाइए। और एक बार अगर आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो आपको अच्छे से और जल्दी से याद होगा। शॉर्ट में नोट्स बना लीजिए, बाकी हैंड रिटन नोट्स में कंप्लीट आपको प्रोवाइड करा दिया है, तो उसको आप जरूर देखिएगा एक बार। तो उत्तर प्रदेश भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो ये आपको बताना है कितने प्रतिशत है। 7.33% उत्तर प्रदेश भारत के क्षेत्रफल का है। अब यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है। अब पूछा जाए सर पहला स्थान कौन सा है, तो पहला स्थान है राजस्थान का। सर इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है, उत्तर प्रदेश का तो आपने बता दिया 7.33% है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है, 10.4% है। इसके बाद में अगर दूसरा स्थान पूछा जाए मध्य प्रदेश का है, तो सर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 9.38%। अब सर पूछा जाए तीसरा स्थान कौन सा है, तो तीसरा स्थान है किसका, महाराष्ट्र का। तो सर महाराष्ट्र का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है, महाराष्ट्र का क्षेत्रफल है 9.34%। फिर चौथा स्थान सर किसका है, चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है सर, 7.33%। पांचवा स्थान किसका है सर, गुजरात का पांचवा स्थान है। अब गुजरात का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है, 5.96%, ये गुजरात का क्षेत्रफल है। अब यहीं पर अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि आपने सर सबसे बड़ा राज्य बता दिया क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान हो गया, सबसे दूसरे नंबर का बड़ा बना दिया मध्य प्रदेश हो गया, तीसरा बता दिया महाराष्ट्र हो गया, चौथा बता दिया उत्तर प्रदेश हो गया, पांचवा बता दिया गुजरात हो गया, क्या सर लास्ट वाला नहीं पूछा जाएगा, तो सर बता दे बिल्कुल पूछा जाएगा। तो सबसे अंतिम जो स्थान है वो किसका है, सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, अंतिम स्थान या फिर कह लीजिए अंतिम स्थान किसका है, अंतिम स्थान है गोवा का, किसका है, गोवा का अंतिम स्थान है। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं, किसके बारे में चर्चा करनी है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा करनी है। नोट करिए आप भौगोलिक स्थिति में, तो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति जानने से पहले हमें एक चीज़ समझनी चाहिए, एक चीज़ क्या समझनी चाहिए, चलिए समझते हैं। चलिए देखते हैं, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये क्या है इक्वेटर है, ये क्या है इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर है। इसके बाद में ये जो रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हम लैटिट्यूड, अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं, किस क्या कहते हैं, अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। फिर इसके बाद में जब ये रेखाएं, इनको अगर अक्षांशीय कहते हैं तो इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं देशांतरीय रेखाएं कहते हैं, देशांतर कहते हैं, देशांतरीय रेखाएं कहते हैं। अब इसके बाद में अगर हम चर्चा करें कि उत्तर प्रदेश, मान लीजिए जैसे ये अगर पृथ्वी है और ये हमारा 0 डिग्री है, और जो हमारा भारत है वो कहाँ पर अवस्थित है, इस तरीके से अवस्थित है, इस तरीके से अवस्थित है, यहाँ पर इस तरीके से मान लीजिए भारत अवस्थित है, उत्तर प्रदेश है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश अवस्थित है। एक बार चलिए मैप में देखते हैं, यहाँ पर इसको समझिएगा, ये जो है उत्तर प्रदेश अवस्थित है, यहाँ पर यह दिख रहा होगा, कलर चेंज करते हैं, ये क्या है, ये उत्तर प्रदेश अवस्थित है, यहाँ पर ये, इसको ध्यान से देखिए एक बार, ये उत्तर प्रदेश अवस्थित है। तो उत्तर प्रदेश का जो ये अक्षांशीय और देशांतरीय, ये इसका विस्तार कैसा है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप हेडिंग डालिए उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, और भौगोलिक स्थिति में जो सबसे पहली हेडिंग पड़ेगी, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में पहली हेडिंग क्या पड़ेगी, अक्षांश पड़ेगी, किन किन अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कौन सा है, अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री और 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट के मध्य है, 24 मिनट के
मध्य है। ये कैसा है? ये अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय। अब अक्षांशीय वो भी कैसा रहने वाला है? अक्षांशीय विस्तार है ये। अब कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है, ये देखिए ये पृथ्वी है, इसके बाद में ये इक्वेटर है, ये अक्षांश रेखा इसे कहते हैं, तो ये 0 डिग्री इक्वेटर है। ये जो ऊपर वाला रहेगा ये कैसा रहेगा? नॉर्थ पोर्शन है, उत्तरी गोलार्ध है, और जो नीचे वाला है वो कैसा है? दक्षिणी गोलार्ध है। तो आपको पता होगा कि जो उत्तर प्रदेश यानी भारत, या फिर भारत कह लीजिए, भारत या उत्तर प्रदेश की स्थिति कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत कहाँ पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। जब भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तर प्रदेश भी उत्तरी गोलार्ध में होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश किसका पार्ट है? भारत का ही पार्ट है। तो भारत की स्थिति कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में है। इसके बाद में अगर हम बात करें दूसरे देशांतरीय विस्तार की, तो ये जो होती है, ये जो रेखा होती है, ये मध्य रेखा जिसे हम कहते हैं, इसे देशांतर रेखा। तो ये जो होता है ये कैसा होता है? ये पूर्वी विस्तार है, ये पूर्वी गोलार्ध है, देशांतर का पूर्वी है, पूर्वी हिस्सा है, और ये कैसा है? ये पश्चिमी हिस्सा है। तो अगर इसकी बात की जाए अक्षांशीय की, तो अक्षांशीय कैसा होगा? अक्षांशीय होगा उत्तरी अक्षांशीय। उत्तरी अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट के मध्य है उत्तरी अक्षांश। अब इसके अगर हम बात करें पूर्वी देशांतर की, पूर्वी देशांतर की बात करें, तो पूर्वी देशांतर इसका कितना है? पूर्वी देशांतर है 77 डिग्री 05 मिनट, या कहीं कहीं पर 50 भी होगा, तो आप याद कर लीजिए एक बार, 77 डिग्री 05 मिनट से कितना है? 84 डिग्री 38 मिनट तक है, इसके मध्य में पाया जाता है ये। इसको याद कर लीजिए। अब यहाँ पर एक चीज आपको और याद करनी होगी। एक चीज क्या याद करनी होगी, चलिए यहाँ मैप में बताते हैं। मान लीजिए यहीं पर बताते हैं, ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है, थोड़ा सा चलिए, ये उत्तर प्रदेश है, ये पूरा उत्तर प्रदेश है। यहाँ से नॉर्थ साउथ और वेस्ट ईस्ट। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूर्व से पश्चिम, ये पूर्व से पश्चिम ये दूरी कितनी है? उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है? तो पूर्व से, शॉर्ट में लिखते हैं, पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है? 650 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है? 650 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? 240 किलोमीटर। 650 किलोमीटर और 240 किलोमीटर। यहाँ से पूछा जाए उत्तर से दक्षिण की दूरी, ये दूरी पूछी जाए तो ये कितनी है? उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? उत्तर से दक्षिण की दूरी है 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर। यहाँ पर ये देखिए, ये आप समझ रहे हो कि दक्षिणी जिला तो सर आपने ये सोनभद्र बता दिया, तो और उत्तरी जिला ये बता दिया, तो ये दूरी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसा देखा जाए, ये उत्तर है और ये मान लीजिए ये रेखा गई अक्षांशीय विस्तार है और ये वाला अक्षांशीय है, तो ये दूरी देखी जाएगी, ये दूरी कितनी है? 240 किलोमीटर ये दूरी पड़ेगी, 240 किलोमीटर। इसके बाद में अगर पूर्व से पश्चिम, ये जो रेखा है पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम की दूरी ये कितनी पड़ने वाली है? 650 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम है 650 किलोमीटर। मैप में समझने का प्रयास करिए। इसके बाद हमारा ये हो गया। अब हम देखते हैं कि कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों से सीमा बनाता है, तो इसको हम हैंड रिटन नोट्स की सहायता से देखेंगे। देखिए हैंड रिटन नोट्स आपको सारे दे दिए गए हैं, जिसमें मैंने उत्तर प्रदेश के परिचय के बारे में पढ़ाया है, उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्र और प्रशासनिक क्षेत्र कैसा रहेगा, नामकरण जून 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत, ये सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा किन किन 8 राज्यों से, एक केंद्र शासित प्रदेश एक देश से होती है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष क्या है, राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय पशु और राजकीय पक्षी चिन्ह, भाषा, प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, ये सारी चीज़ें बता दी हैं। संयुक्त प्रांत था जब, तब कौन राज्यपाल थे,
थे, इसके बाद में इसके अंतिम राज्यपाल जो 7वें नंबर के राज्यपाल बने थे वो कौन थे, इसके बाद आज़ादी, जब आज़ादी मिल गई, आज़ादी के बाद जो पहले राज्यपाल बनी श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, जो कि देश की भी पहली थी राज्यपाल, देश की पहली राज्यपाल थी, साथ ही साथ में देश की पहली का मतलब है देश की पहली महिला महिला राज्यपाल किस राज्य की हैं, उत्तर प्रदेश की हैं, श्रीमती सरोजिनी नायडू। और इसके बाद में आज़ादी के बाद में जब उत्तर प्रदेश का स्थापना हुई थी, यानी जब हमारा संविधान लागू होने वाला था, संविधान लागू होने से 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी, तो स्थापना के बाद जो राज्यपाल बने थे वो कौन थे, श्री H.P. मोदी 26 जनवरी 1950 को 1952 तक रहे थे। ये मैंने लिख दिया है रूमी दरवाजा लखनऊ से उत्तर प्रदेश का राज चिन्ह जो कि जुड़वा मछली का है यह अंगीकार किया गया है। भौगोलिक परिचय जो कि मैं अभी पढ़ा रहा था, ये मैंने सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी हैं, तो इसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। ये डायरेक्शन भी आपको बता दिए, ऑलरेडी से पहले से ही बता दिया है कि सहारनपुर उत्तरी पड़ता है, दक्षिणी में कौन सा पड़ता है, सोनभद्र पड़ता है, पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया है, और शामली कौन सा है, पश्चिमी जिला है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के बारे में। तो सीमावर्ती जिलों में जब अगर हम बात करें उत्तरी सीमा की, उत्तरी सीमा में कौन कौन से राज्य आ जाते हैं, उत्तराखंड आ जाता है, हिमाचल प्रदेश आ जाता है, नेपाल आ जाता है। नेपाल क्या है, नेपाल कंट्री है, तो एक कंट्री और 2 राज्य आ जाते हैं उत्तरी सीमा। उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा 2 राज्यों और 1 देश से मिलकर बनी है, मतलब साझा करते हैं, या फिर कह लीजिए साझा करते हैं, जिसमें से देश कौन सा है, नेपाल है। 2 राज्य कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश सबसे कम सीमा साझा करता है किसके साथ, सहारनपुर के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर, ये हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। उत्तराखंड 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। 7 जिले कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। पहला है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। ये 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के ये 7 जिले हैं जो कि उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। अब नेपाल के साथ कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं, 1 नंबर पे महाराजगंज, फिर सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर। इसके भी कितने हैं, 7 जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं हिमाचल प्रदेश के साथ, केवल सहारनपुर सीमा साझा करता है। इसके बाद में पश्चिमी सीमा की बात करें तो यह दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है, जिसके 2 जिले गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, 2 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। और पश्चिमी सीमा में ही हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा 6 जिलों के साथ, उत्तर प्रदेश के 6 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। सहारनपुर के साथ करता है, शामली के साथ करता है, बागपत के साथ करता है, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा के साथ सीमा साझा करता है। इसके बाद में राजस्थान भी 2 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, मथुरा करता है, आगरा के साथ करता है। पूर्वी सीमा की बात करें तो बिहार के साथ सीमा साझा करता है। बिहार कितने जिलों से सीमा साझा करता है, 7 जिलों से बिहार की सीमा साझा होती है। कौन कौन से हैं, महाराजगंज है, देवरिया है, कुशीनगर है, बलिया है, गाजीपुर है, चंदौली है, सोनभद्र है, ये 7 जिलों से सीमा साझा करता है। और पूर्वी सीमा में ही झारखंड भी सीमा साझा करता है, यह सोनभद्र जिला के साथ सीमा साझा करता है। इसके बाद में दक्षिणी सीमा की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के साथ, जो कि 11 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। यह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है और उत्तर प्रदेश के 11 जिलों को स्पर्श करता है। 11 जिले कौन कौन से हैं, आगरा हो गया, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये 11 जिले हैं, इनके साथ सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़ सोनभद्र के साथ केवल सीमा साझा करता है। अब इसके बाद में एक बार मैंने ये मैप सा बना दिया है, इसको देखिए। नॉर्थ उत्तराखंड 7 जिला, हिमाचल प्रदेश 1 जिला, नेपाल 7 जिला, ईस्ट में बिहार 7 जिला, झारखंड 1 जिला, साउथ में मध्य प्रदेश 11 जिला, छत्तीसगढ़ 1 जिला, वेस्ट में दिल्ली 2 जिले, हरियाणा 6 जिले और राजस्थान 2 जिले। इसके बाद में उत्तर प्रदेश विशिष्ट तथ्य पर आते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर। कितना है, 7,680 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है लखीमपुर का। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है, हापुड़ सबसे छोटा जिला है, 660 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सोनभद्र, 6,788 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, हरदोई,
5,947 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। चौथा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सीतापुर, 5,743 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है? भदोही, 1,015 किलोमीटर स्क्वायर। तीसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है? गाजियाबाद, 1,034 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और पहला कौन सा हो गया? पहला हो गया हापुड़। हापुड़ का कितना है? 660 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। यूपी का सबसे अधिक आबादी वाला शहर जिला कौन सा है? गाजियाबाद। कितनी आबादी है? 31.6 लाख इसकी आबादी है। सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? कानपुर है। यूपी का सबसे कम आबादी वाला शहरी जिला कौन सा है? श्रावस्ती सबसे कम आबादी वाला शहरी जिला है। कितनी आबादी है? 39,000 मात्र इसकी आबादी है। तो ये यूपी के बारे में विशिष्ट तथ्य हैं जो आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगले सेशन में हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीतिक संरचना। राजनीतिक संरचना में हम जानेंगे, आर्थिक जोन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अगले टॉपिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, कल के लिए टॉपिक रहने वाला है नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीतिक संरचना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे आर्थिक जोन के बारे में, इकोनॉमिक जोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक जोन के बाद हम पढ़ेंगे प्रशासनिक इकाइयों के बारे में पढ़ेंगे। किसके एक पढ़ेंगे इकोनॉमिक जोन, आर्थिक जोन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे प्रशासनिक इकाइयों के बारे में पढ़ेंगे। प्रशासनिक इकाइयों के बारे में कितनी प्रशासनिक इकाइयां हैं, और प्रशासनिक इकाइयों में भी हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में जितने भी 18 के 18 मंडल हैं और उन मंडल में कितने कितने जिला हैं, सबसे बड़ा मंडल कौन सा, सबसे छोटा मंडल कौन सा है, सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। कौन से मंडल में कितने जिले हैं, कौन कौन से जिले आते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो कल का सेशन लेना मत भूलिएगा। कल का भी सेशन आपका डेमो सेशन रहने वाला है, तो कल की भी क्लास आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर अभी भी आपने कोर्स परचेज नहीं किया तो कोर्स परचेज कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। कोर्स के बारे में एक बार डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, कोर्स के बारे में आपको बता देते हैं। तो यह कोर्स मात्र आपको कितने में मिल रहा है? 199 में, 199 रुपये में मिल रहा है। अगर लेकिन आप इसको अभी खरीद रहे हैं तो यह आपको 50 रुपये की छूट के साथ में 149 रुपये में मात्र दिया जाएगा, 149 रुपये में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल प्ले स्टोर पर एग्जाम वेब ऐप है, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और इस कोर्स को परचेज कर लीजिए। यह कोर्स मात्र आपको 149 रुपये में भी प्रोवाइड कराया जाएगा। UPSC RO का शक्ति बैच है। इस बैच में प्री कम मेंस बैच की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसमें प्री और मेंस दोनों की तैयारी कराई जाएगी। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस भी दी जाएंगी। 300 से ज़्यादा घंटों की क्लासेस आपकी रहने वाली हैं। डाउट सेशन रहने वाले हैं जिसमें डाउट ग्रुप भी बनाया जाएगा। वीकली टेस्ट रहने वाला है जिसमें 100 क्वेश्चन का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। हैंड रिटन PDF नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्लास नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। 1-to-1 मेंटरशिप भी प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके बाद में आपको अधिक सुविधा देने के लिए, आपको अधिक तैयारी कराने के लिए 5 फुल लेंथ टेस्ट भी कराए जाएंगे। इसमें आपको क्या किया जाएगा, 3 टेस्ट जो रहेंगे वो GS के रहने वाले हैं और 2 टेस्ट रहने वाले हैं हिंदी के टेस्ट रहने वाले हैं 2 टेस्ट। इससे आपकी तैयारी और ज़्यादा बेहतर हो सकेगी। सारे हैंड रिटन नोट्स, सभी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। हैंड रिटन PDF नोट्स मिलेंगे जो कि बहुत ही बेटर तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से। आप एक बार जो फ्री मटेरियल उपलब्ध है उसको देखिएगा, और जो हैंड रिटन नोट्स यहाँ पर, जो UPGK का हैंड रिटन नोट्स दिया जाएगा, इसको भी एक बार आप देखिएगा। बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किए गए, माइंड मैप के थ्रू आपको डिज़ाइन करके दिया जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किए जाएंगे जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा बेटर हो सकेगी। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, कल के सेशन में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो भी हमारे ये मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जितने भी जिला हैं, इनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। नगर निगम एवं नगर निकायों के बारे में डिस्कस करेंगे और विशिष्ट तथ्य के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में एक छोटा सा टेस्ट रखेंगे जिसमें 5 क्वेश्चन आपको बोलेंगे, आप हमें कमेंट में बताइएगा। प्रदेश की प्रशासनिक और प्रशासनिक संरचना के बारे में भी हम कल पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जो साथी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन साथी ने ये कोर्स अभी तक परचेज नहीं किया है वो कोर्स जल्दी से जल्दी परचेज कर लें और अपनी तैयारी को और भी बेहतर ढंग से आगे ले जाएं। और अच्छे से समीक्षा अधिकारी और
सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्जाम जो आने वाला है उसमें अच्छे से आप प्रदर्शन करिए और आप अपना सिलेक्शन पक्का करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इस क्लास की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए इसकी क्लास की पीडीएफ आपको एग्जाम वेब ऐप पर ही मिलेगी, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से जाकर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई, वहां से डाउनलोड करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।